What's up, bro? This is your boy, Hasan. तो आज हम यही कुछ करने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों को जाके डराएंगे। और हाँ, डराने से पहले ओए प्रैंक को भी जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक। तो चलते हैं हम जरा भूतिया वीडियो बनाने। मजा नहीं आ रहा है। Run. कपड़े बदल कर जाऊं कहां और सब ज्यादा आकर 250 रुपया दे देना यार। 150 ले ले। अल्लाह के बंदे क्या हो गया 150 में यार, मुंह नहीं चलाता मैं आपको। सब ज्यादा छोड़ के आना वापस, आधा घंटे का रास्ता है यार। पूंडी कितने जाना है इस टाइम आप है? मैं 200 दे देना बैठ जाए। ये बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? ये जरा एक्सक्यूज मी मैम, हीना जी मैम आ जाए जी जी। मैम बात सुनिएगा, एक्चुअली पीछे ना सामान पड़ा हुआ, आप अकेली है ना जी। प्लीज आगे बैठ सकती हैं? क्या हुई? एक्चुअली मैम मैंने पीछे रखना है, आप किसी 2 मिनट तो बैठ जाएं। एसी के पीछे ना हवा भी थ्रो इतनी चल नहीं रही, गर्मी बहुत है ना मैम। प्लीज थैंक यू जी मैम, चले समझ रहे हो। एक्चुअली मैम अभी मैं ना गाड़ी का ना काम करवा के आया हूँ। हमें ना इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि जो एसी वाली राइड होगी ना, तो एसी मस्ट हमने चला के देना, हमारे ना वेरीफाई होता है। अच्छा, तो मैं चाह रहा था कि अगर पीछे से अगर गंदा रिव्यू दे दे तो फिर मेरी ना रेटिंग खराब होती है। मैं ऐसा बंदा हूँ मैम, उनको कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है? कहना क्या चाहते हो? मैं उतर के ना, मैं सामने से पेट्रोल पंप पे अभी फ्यूल मैंने फिल करवाना, मैं करवा देता हूँ। मैम आपको पता है एक बात बताऊँ, वो एक्चुअली 3-4 दिन से ना मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो मुझे नहीं पता नहीं क्या चक्कर है, गाड़ी में जब भी जा रहा हूँ धुआं, मैम आपको धुआं महसूस हो रहा है? तुमने जीना हराम किया कब से तुम्हारे? भाई यार ये कपड़ा उतरवा देंगे मेहरबानी आपकी, मैं कपड़ा उतरवा देना जी। मैं आज 6 बजे और 6 अंकल खाने ने। एक्चुअली 3-4 दिन से ना वो आप सम, मैं आपको कैसे बताऊं, एक सेकंड में बताता हूं। मैं जब गाड़ी चलाता हूं एकदम धुआं आ जाता है, एकदम आवाज आना शुरू हो जाती है, एकदम पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो रहा है, मुझे समझ से बाहर हो रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? मैं कंफ्यूज हो गया। आपको पता नहीं बातों से अजीब लग रहा होगा एकदम ना, तो मतलब
आ जाते हैं लोग पीछे से, मुझे ऐसा लगता है कुछ छू रहा है मेरे पीछे है कोई। आई लिटरली स्केयर मैम, आई डोंट नो कैसे समझाऊं, बहुत डर। मैं पिछली कब्र च गई है ना, इतने लंबे वाल पे थे, मच्छर मैं कह रही कि कंडोई भी बिच पे थे, फिर मैंने उन्हें खा लिया। नूडल तो स्वाद है, नहीं नूडल कोई आ रही थी, चिकन कबर कोई आ रही। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबे साले आगे स्वाद। अच्छा मैम बोल देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है।